एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल YouTube हिंदी में और मैं हूं प्रवीण। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार से आप इसरो अर्थात इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म घर बैठे अपने लैपटॉप के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको जाना है अपने लैपटॉप के गूगल चार्म पे, और देखिए आपको ये साइट ओपन करनी है sarkaririzult.com। इस साइट के बारे में मैंने एक दूसरी वीडियो में ही बता रखा है, आप मेरी वो वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इस साइट के अंदर आप किस प्रकार से आप नए नए फॉर्म की डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इस फॉर्म के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पे दे रखा है कि इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो है 31/7/2017 से पहले आपको ये अप्लाई करना है, और जनरल ओबीसी के लिए फ़ीस लगेगी 100 रुपये, और एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल हो इन सब के लिए किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं है। और आप पोस्ट की बात करें तो देखिए यहाँ पे दिखा रखे हैं टोटल 313 पोस्ट हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो देखिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, किसी से भी हो तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखिए एज लिमिट है, यहाँ पे दिखा रखी है 18 से 26 साल तक आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, और एससी ओबीसी को जो छूट मिलती है वो तो अलग से मिलेगी ही। तो हमें करना क्या है, देखिए हमें यहाँ पे नीचे जाना है अप्लाई ऑनलाइन पे, और यहाँ पे हमें क्लिक करना है क्लिक हियर। अब देखिए ये साइट आपके सामने खुल के आएगी, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ नीचे जाना है। देखिए यहाँ पे देखिए तीन पोस्ट दिखा रखी हैं, पोस्ट नंबर 1 असिस्टेंट का फॉर्म है, पोस्ट नंबर 2 अपर डिवीजन कलर का फॉर्म है, और पोस्ट नंबर 3 है असिस्टेंट का फॉर्म। तो ठीक है, आपको जो भी फॉर्म अप्लाई करना है इन तीनों में से वो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक फॉर्म अप्लाई करके दिखा देता हूँ, बाकी सभी फॉर्म सेम प्रोसेस के द्वारा अप्लाई होंगे, आप कोई भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। अब देखिए आपके सामने ये साइट आ गई है, तो यहाँ पे इसने जो जो चीज़ पूछ रखी है मैं सभी आपको बताता जाऊँगा और फिलअप करता जाऊँगा। मैं एग्जांपल के तौर पे अपना फॉर्म आपको फिलअप करके दिखा रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट डब्बे में आपको डालना है अपना नाम, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना नाम। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल या फीमेल, और यहाँ पर आप सिंगल हैं या मैरिड हैं, तो मैं सिंगल हूँ। तो यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो मेरी कैटेगरी है एससी। और इसके बाद देखिए आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। इसके बाद देखिए आप विधवा हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो रहने दीजिए। तो इसके बाद देखिए अगर आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में रह चुके हैं, एक्स सर्विस में रह चुके हैं, तो आप इसे यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे आप नो ही रहने दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे दे रखा है आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट, आप किसी सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर चुके हैं, अगर आप कर चुके हैं तो यहाँ पे आप यस कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो ही रहने दीजिए। इसके बाद देखिए अगर आपने किसी सरकारी जॉब के अंदर कम से कम 3 साल तक सर्विस की है तो आप इसे यस कर दीजिए, अन्यथा इसे आप नो ही रहने दीजिए। और देखिए आर यू ए मेट्रियस स्पोर्ट्स पर्सन, क्या आप एक खिलाड़ी हैं, अगर आपने किसी स्पोर्ट्स में भाग लिया है तो आप इसे यस कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो ही रहने दीजिए। इसके बाद देखिए फादर नेम, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम डालना है, तो मैं यहाँ पे अपने पिताजी का नाम डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे नीचे आपको सिग्नेचर सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए दोस्तों अगर आपको मालूम नहीं है कि फ़ोटो का साइज़ किस प्रकार से कम या ज़्यादा किया जाता है, तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपनी दूसरी वीडियो का लिंक डाल रखा है, आप उस पर क्लिक करके सीख सकते हैं कि फ़ोटो का साइज़ कम या ज़्यादा किस प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो का साइज़ 50 KB होना चाहिए, तो आपको वो साइज़ सेट कर लेना है मेरी वीडियो देख कर। तो इसके बाद आपको यहाँ चूज फाइल पे क्लिक कर देना है, और आपकी जो फ़ोटो है कंप्यूटर में आपको वो सेलेक्ट कर लेनी है इस प्रकार से, और उसे कर देना है ओपन, और इसी प्रकार से आपको अपने सिग्नेचर पे सेलेक्ट कर देना है और कर देना है ओपन, और यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। अब देखिए ये नेक्स्ट स्टेप नंबर 2 आ चुका है यहाँ पे,
तो यहाँ पे हमें अपना एड्रेस डालना है। तो यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल देता हूँ। तो ये एड्रेस मैंने यहाँ पे अपना फिलअप कर दिया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे देखिए मांग रहा है अल्टरनेट एमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, यानी कि जो आपने ये नंबर यहाँ पे डाले हुए हैं इसके अलावा अगर आपके घर में कोई नंबर है तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। तो मैं अपने एक दूसरे नंबर हैं वो यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, यहाँ नीचे जाना है, यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दोबारा से टाइप कर देनी है और आपके नज़दीक कोई रेलवे स्टेशन पड़ता है तो वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मेरे सबसे नज़दीक पड़ता है कनीना, तो मैं डाल देता हूँ कनीना खास। इसके बाद देखिए जोन नेम, यानी कि जो आप जॉब करना चाहते हैं वो किस जोन में करना चाहते हैं। तो आपके सबसे नज़दीक जो भी जोन पड़ता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप वो जोन सेलेक्ट कर सकते हैं जिस जोन में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप नज़दीक वाला जोन सेलेक्ट करें या फिर सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाला, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल सबसे नज़दीक मेरे दिल्ली पड़ता है तो मैं दिल्ली कर देता हूँ। इसके बाद देखिए रिटर्न टेस्ट, तो आप रिटर्न टेस्ट चाहेंगे कि सबसे पास में ही हो तो उसके लिए भी आप अपने सबसे पास वाली जगह सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर देता हूँ दिल्ली। और इसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब देखिए यहाँ पे स्टेप नंबर 3 आ चुका है। यहाँ पे हमें क्या क्या फिलअप करना है, तो सबसे पहले इसने डेट ऑफ बर्थ मांग रखी है तो यहाँ पे हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल देता हूँ। और अब देखिए यहाँ पे इसने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, तो क्वालिफिकेशन बीए से कम तो इसमें मांगी हुई नहीं है। अगर आप बीए हैं, ग्रेजुएट हैं तो ही से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसने पूछा हुआ है कि आपने जो बीए की है वो किस सब्जेक्ट से की है, आर्ट से, कॉमर्स से, जो भी जिस भी सब्जेक्ट से की है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो मैंने आर्ट से की है तो मैं यहाँ पर आर्ट सेलेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए डिग्री कोर्सेज नेम, आपने जो ग्रेजुएशन की हुई है वो किससे, बीए, बीएससी, एमएससी, किसी से, जिस भी आपने कोर्स किया हुआ है जो भी, वो यहाँ पे डाल देना है। तो मेरा कोर्स है बीए का तो मैं यहाँ पे बीए कर देता हूँ। इसके बाद देखिए स्पेकुलेशंस, तो स्पेकुलेशंस का मतलब होता है कि आपने जो कोर्स किया है वो कितने ईयर का है। तो मेरा कोर्स बीए का है वो 3 ईयर का है तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 3 ईयर। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है यूनिवर्सिटी, आपने जो ग्रेजुएशन की है वो किस यूनिवर्सिटी से की है। तो मैंने यहाँ पे एमडीयू यूनिवर्सिटी से की है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एमडीयू रोहतक। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपने जो ग्रेजुएशन पास की है वो किस साल में पास की है, तो यहाँ पे आपको अपना वो मंथ डाल देना है और यहाँ पे आपको साल डाल देना है। तो मेरा महीना था, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ जिस महीने में मैंने ग्रेजुएशन पास की थी। तो मेरा यहाँ पर महीना था अगस्त का महीना था और 2015 में मैंने ग्रेजुएशन पास की थी, तो यहाँ पे डाल देता हूँ 2015। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपनी परसेंटेज डालनी है, ग्रेजुएशन में आपकी कितनी परसेंटेज थी वो यहाँ पे हमको फिल कर देनी है, तो वो यहाँ पे मैं फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्लास या डिवीज़न, आपने जो ग्रेजुएशन की है वो किस डिवीज़न से की है। तो देखिए यहाँ पर सिलेक्ट करने पर सिर्फ फर्स्ट ही दिखा रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी साइट के अंदर, तो यहाँ पे जो अदर ऑप्शन नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे कर दीजिए, चलो फर्स्ट कर दीजिए आप, कोई बात नहीं। इसके बाद देखिए मैट्रिकुलेशन, यानी कि 10वीं क्लास है वो आपने किस बोर्ड से पास की है। तो मैंने 10वीं क्लास करी है हरियाणा बोर्ड भिवानी से, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ HBSC भिवानी। और किस साल में पास की है, तो यहाँ पर आपको अपना महीना और साल दोनों डाल देने हैं, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ सेप्टेम्बर 2005। और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको डालने हैं परसेंटेज, अपनी जो 10वीं में आपकी परसेंटेज है वो यहाँ पे आपको फिलअप कर देनी है। तो मैं अपने यहाँ पे परसेंटेज डाल देता हूँ 51.66। और इसके बाद देखिए डू यू प्रोसेस ए डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्या आपके पास कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा है, तो यहाँ पे आप यस कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे नो रहने दीजिए। इसके बाद देखिए डू यू हैव प्रोफिशिएंस इन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, क्या आपको कंप्यूटर चलाना अच्छी तरह से आता है, तो आप यहाँ यस कर दीजिए, अन्यथा इसे आप नो भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप करना है। देखिए यहाँ नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको जो जो आप
फॉर्म फिलअप करते जाएंगे वो सारी डिटेल यहाँ पे नीचे दिखाते जाएगा। देखिए नाम और फोटो सिग्नेचर जो हमने एड्रेस वगैरह डाला था वो यहाँ पे सब फिलअप किया हुआ है, यहाँ पे दिखा दिया गया है जो जो चीज़ हमने फिलअप की है, तो ये यहाँ पे नीचे दिखाता जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ चेक कर लेनी है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया है इस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू। तो देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये प्रीव्यू किस लिए होता है। ये प्रीव्यू इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि आप इस फॉर्म को फाइनली सबमिट करने से पहले एक बार दोबारा ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे लोगों ने पूछा है सर मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया है लेकिन मेरे फॉर्म में कुछ गलती हो गई है तो क्या मैं उस गलती को चेंज कर सकता हूं। तो देखिए दोस्तों अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो आप गलती को चेंज नहीं कर पाएंगे, आपका अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो क्या पता गलती के कारण आपका सिलेक्शन रुक सकता है। तो इस वजह से मैं आपको यही राय दूंगा कि प्लीज़ एक बार इस फॉर्म को आप ज़रूर चेक कर लीजिए। कोई भी फॉर्म हो दोस्तों आप उसका प्रीव्यू ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि हम अपनी ओर से तो सही इन्फॉर्मेशन डालते हैं लेकिन कई बार गलती से कोई इन्फॉर्मेशन गलत डल जाती है, तो प्रीव्यू में हम उस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अगर आपने फाइनल सबमिट कर दिया है तो उस गलती को आप दोबारा से ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इस फॉर्म को एक बार आप पूरा चेक कर लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ नीचे जाना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है सबमिट फॉर्म पे। अब देखिए यहाँ पे इसने दिखा दिया है थैंक यू योर एप्लीकेशन इज सबमिटेड सक्सेसफुल, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली भरा जा चुका है और आपका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था वो 3/2017 है और पोस्ट नंबर 1 आपने अप्लाई की है और आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है। देखिए ये है रजिस्ट्रेशन नंबर। तो अब आपको करना क्या है, आपको अपने फॉर्म का प्रिंट सेव करके रखना है, तो आपको यहाँ पे नीचे क्लिक करना होगा प्रिंट योर एप्लीकेशन फॉर्म पे। तो मैं देखिए नई विंडो खोल देता हूँ, यहाँ पे नई विंडो खुल गई है और यहाँ पे देखिए आपने जो अप्लाई किया था असिस्टेंट या अपर डिवीजन जो भी वो सेलेक्ट कर लेना है। तो हमने फिलहाल असिस्टेंट का अप्लाई किया था और यहाँ पे हमें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देने हैं। तो रजिस्ट्रेशन नंबर कौन से डालने हैं, देखिए ये रजिस्ट्रेशन नंबर है यही हमको यहाँ पे डालने हैं। तो फिलहाल ये रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे डले हुए हैं और यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1990, तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद देखिए एंटर द टेक्स्ट शो इन इमेज, जो आपको ये टेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं ये एज इट एज आपको यहाँ पे फिलअप कर देने हैं। तो मैं इनको यहाँ पे डाल देता हूँ X2YM और इसके बाद आपको क्लिक करना है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे। अब देखिए इसने यहाँ पे ये आपका फॉर्म दिखा दिया है, ये आपके एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट नंबर और पोस्ट फॉर किस पद के लिए है आपकी ये, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके यहाँ पे, आपकी फ़ोटो सिग्नेचर और ये देखिए यहाँ पे इसने आपकी पूरी डिटेल जो जो आपने फिलअप की थी अपने फॉर्म में सारी इसने दिखा दी है। तो ये प्रिंट आपको अपने लैपटॉप में सेव करना है तो आपको दबाना होगा Ctrl+P और यहाँ पे आपको देखिए सेव कर देना है और जहाँ पर भी आपको इसे सेव करना है वहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, हमें डेस्कटॉप पे करना है तो मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे कर देता हूँ और यहाँ पे आप दबा दीजिए सेव। तो ये फॉर्म आपका डेस्कटॉप पे सेव मिल जाएगा, ये देखिए मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ये देखिए ये फॉर्म आपका यहाँ पे दिखा दिया गया है। तो दोस्तों मुझे आशा है कि मेरे द्वारा बनाई गई ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी रही होगी। तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।